हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे रूह अफ़ज़ा। और मार्केट में आपको 120 टू 140 रुपीज़ का पड़ जाता है, लेकिन जो हम रूह अफ़ज़ा बनाएंगे उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा मार्केट वाले की तरह, और ये आपके आधे रेट से भी कम में बन जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश होगा, जबकि मार्केट वाला थोड़े दिनों तक रखा रहता है। और आपके बच्चे जैसे घर घर आते हैं स्कूल से, तो उनको घोल के दें ये रूह अफ़ज़ा, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आइए चलिए बनाते हैं रूह अफ़ज़ा। इसके लिए हमें चाहिएगी गुलाब, रोज एसेंस, केवड़ा एसेंस, गुलाब की सूखी पत्तियाँ, चीनी है, और ये सिट्रिक एसिड। इसको आप साठरी भी बोलते हैं घर में, तो हमने इसको एक चम्मच लिया। में 200 ग्राम चीनी डालते हैं। अब हम इसमें 200 ग्राम के करीब ही और डाल देते हैं। अब हमने जैसे 400 ग्राम चीनी ली है, तो हम इसमें 200 ग्राम पानी ऐड करेंगे। हम जितनी चीनी लेंगे हम उसके हाफ क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 200 ग्राम पानी डाल देंगे। तो अब हम इसको गैस पे पकने के लिए रख देते हैं और हम गैस ऑन कर देंगे। इसमें 1/4 चम्मच साठी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देते हैं। पहले हम इनकी गुलाब की पत्तियां हाथ से तोड़ लेंगे। हमने एक गुलाब पहले ही तोड़ लिया था, अभी दूसरी गुलाब की हमने पत्तियां तोड़ ली, और अब हम इनको डाल देते हैं अब हमारे शुगर से रखने। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ग्राम सूखी गुलाब की पत्तियां हम इनको पानी में डाल देते हैं ताकि ये साफ हो जाए। ये आपको कहीं से भी मार्केट से मिल जाएंगी, 10 रुपए की खरीद की मिल जाती है। हम इसको अच्छे से हाथ से चला लेंगे ताकि जितना भी इसकी गंदगी है वो सब निकल जाए। इसको निचोड़ लेंगे। अब इसमें डाल देंगे को, चला देते हैं एक चम्मच की मदद से। हम इसमें साठी इसलिए डालते हैं ताकि इसमें चीनी नीचे जमे ना। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से गुलाब की पत्तियों का रस इसमें निचोड़ ना जाए। अब हम इसे 15 मिनट हो चुकी हैं पकाते पकाते, हम इसको 2 या 3 मिनट के गैप पे चलाते रहेंगे ताकि ये पैन से बाहर ना निकल जाए। मैं हम लगभग अब हमें 20 मिनट तक पका दिया है हम इसे। अब हम 20 मिनट पकाने के बाद इसमें 200 ग्राम के करीब चीनी और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अब हम किसी बर्तन के ऊपर छन्नी रख देते हैं और हमें तकरीबन 25 मिनट हो गई होंगी इसको पकाते हुए। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और एक बार दो बार और चला लेते हैं। छन्नी निकाल लेंगे हम अपनी और अब हम इसको छान लेंगे अपने शरबत को।
अब जो ये हमारा पानी है हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी गुलाब की पत्तियाँ बन चुकी है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। हमने इसमें 100 ग्राम चीनी डाली है। अब हम इसको चला लेंगे। इससे हम गुलकंद बनाएंगे। गैस को हम मीडियम आंच पे ही चलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम पकने देंगे। अब हम इसमें 2 इलायची खोल के इनके छिल्ले को उतार के इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। करीबन 10 ग्राम सौंफ डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तब हमारे चीनी के दाने इसमें से गायब नहीं हो जाते लगभग, तो तब तक हम इसको पकाएंगे और इसी तरह चलाते रहेंगे। हमने इसको सिम गैस पे ही चलाया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। गुलाब की पत्तियों से ये हमारा काफ़ी सारा गुलकंद तैयार हो गया है। अब हम इसको 2 दिन तक धूप में रखेंगे, ऐसे ही लिड खोल के, और इसके ऊपर कोई जाली ढक के रख देंगे हम धूप में 2 दिन तक, ताकि गुलाब की पत्तियाँ और चीनी मिक्स हो जाए। फिर हम इसको खाने के बाद या कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमारा रुआब्जा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। हम ये एसेंस इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें और अच्छा स्वाद आ जाए। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा ही नहीं डालेंगे एसेंस। हम इसमें 1 चम्मच वाइट रोज एसेंस डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चम्मच में थोड़ा सा रुआब्जा लेंगे और फिर हम इसमें रेड फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे। इसको टच कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाते मिलाते ही इसको पानी तक ले जाएंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। हम एक बोतल में ऊपर फनल लगा के इस रुआब्जे को इसमें डाल देते हैं। अब ये हमारा रुआब्जा रेडी है। हम इसको 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।